हेलो फ्रेंड्स, अनुराधा ओडिया टिप्स चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। गर्भावस्था रे पेटर आकार अनेक परिमाण रे बढ़िबाकु लागे। जेतेबेले पेटर आकार बढ़िबाकु लागे एवं प्रेगनेंसी धीरे धीरे आगकु बढ़िबाकु लागे, पेट टाणीबा आरंभ करे। पेटर एई टाइटनेस बा टाण हेतु बसिबा बा पेटर कठिनता, पेटर तल अंश जंत्रणा इत्यादि लक्षण देखा जाए। यही लक्षण गुड़िकर वृद्धि पाइबा द्वारा आपणकर दैनंदिन कार्य को प्रभावित करिपारे। किछि भूल अभ्यास पेटर यही टाइटनेस बा टाण होबार कारण होइपारे। तो आज वीडियो रे आमे यही सब अभ्यास गुड़िक विषय जानिबा कि गर्भावस्था रे काहीकि आपणकर पेट टाण हो जाए। प्रथम खराब अभ्यासटे होचे कि परिस्रा को चापी रखिबा। ब्लाडर पूर्ण हेतु आपणकर पेट टाण हो जाय पारे। गर्भावस्था रे परिस्रा होल्ड करि रखंतु नाही, एपरी भूल आद्य करंतु नाही। एहा पेट रे गैस जंत्रणा एवं पेट टाण हो जिबा इत्यादि भली समस्या सृष्टि करि पारे। एहा व्यतीत जदि आपण गर्भावस्था रे परिस्रा को होल्ड करि रखुचंती, एथरे यूटीआई बा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन संक्रमण आशंका मध्य बढ़ि जाय पारे। गर्भावस्था रे यूटीआई रे लक्षण समाधान पई समय नै पारे, कारण एही समय रे शरीर रो रोग प्रतिरोधक शक्ति दुर्बल हो जाय थाए। जदि आपण गर्भावस्था रे कम पानी पिउछंती तेबे एही को उडांतु। गर्भवती महिला माने गर्भावस्था रे पेट टाणीबा बळी समस्या को एडाया पई पर्याप्त परिमाण रे पानी पीबा उचित। जलर अभाव किंबा डिहाइड्रेशन जदु पेट टाण लागे। डिहाइड्रेशन एडाया पई आपण गर्भावस्था रे टमाटो सूप, लेंबू पानी, नडिया पानी, हर्बल चा मध्य नै पारिबे। ता छड़ा आपण यदि सबुबेले समान स्थिति रे बा गोटे पोजिशन रे रहउचंती, एहा हेतु मध्य आपणकर गर्भावस्था रे पेट टाण लागे। दीर्घ समय से बसिबा किंबा सोइबा द्वारा गर्भावस्था उपरे बा गर्भाशय उपरे चाप सृष्टि हुए। समान अवस्था रे अधिक समय रहिबा जोग दूरेबा उचित। डाक्तर माने गर्भवती महिला मानको गर्भावस्था रे विश्राम नबाको परामर्श दियंती, किंतु अधिक सोइबा बा दिन सारा विश्राम नबा आपणक हजम प्रक्रिया को नष्ट करि पारे एवं आपणकर पेट टाण होइ जाय पारे। तेणु एही अभ्यास रे मध्य दूरेरे रहंतु। ता छड़ा जदि आपण गर्भावस्था रे व्यायाम न करूचंती ताहाले मध्य आपणको एही समस्या होइ पारे। गर्भावस्था रे द्वितीय त्रायमासिक रे शिशुटी किक मारिबा बा बुलिबा आरंभ करे, जे कारण रो आपण पेट रे टाण अनुभव करि पारंती। गर्भावस्था रे आपण विभिन्न प्रकार योग एवं व्यायाम रो सहायता नेबा उचित। एवं जदि आपण गर्भावस्था रे विभिन्न प्रकार योग बा व्यायाम करंती तेबे आपणकर पेट रो जंत्रणा एवं पेट कष्ट रो एहा आपणकु मुक्ति देथाय। ता छडा गर्भावस्था रे भूल खाद्य ग्रहण करिया मध्य अनुचित। गर्भावस्था रे साधारण कोष्ठकाठिन्य बहुत बेसी देखा जाए। एही कोष्ठकाठिन्य तगु पेट टाण एवं भारी अनुभव करे। कोष्ठकाठिन्य व्यतीत गर्भावस्था रे गैस एवं पेट जंत्रणा भली समस्या रहिताए। एहार कारण भूल खाद्य होइपारे। गर्भावस्था रे अधिक तेलिया मीठा मसलायुक्त खाद्य खाइबा ठरु दूरे रहंतु। एही कारण रो पेट टाण होइपारे। आपण आपणकर शिशु एवं शरीर पई उपयुक्त परिमाण रो खाद्य ग्रहण करिबा आवश्यक, किंतु अत्यधिक खाइबा ठरु दूरे रहंतु। अनेक थर महिला माने गर्भावस्था रे अत्यधिक खाई जंती एवं सेमानकर पेट टाण लागे। तबे चालंतु एबे हम जानिबा कि गर्भावस्था रे जदि आपणकर पेट टाण लागे तबे आपण कोन करबा उचित। गर्भावस्था रे जदि आपणकर पेट टाण लागे तबे आपण किछि उपाय करि पारिबे, जेमिति कि एक ग्लास उषुम पानी बा गरम खीर पियंतु। एहा आपणकर पेट को हल्का अनुभव करैबो एवं मांसपेशी गुडी को आराम पाइबे। गर्भाशय किंवा पेट लाइन उपरे चाप हेतु गर्भावस्था रे पेट टाण लागे। एहार उपशम पई आपण उषुम पानी रे स्नान करि पारिबे। बाथ टब रे मध्य आपण स्नान करिबा लाभदायक हेबो। गर्भावस्था रे अत्यधिक चिल्ली मसलायुक्त खाद्य खाँतु नाही। खाद्य खाइबा परे जदि आपण किछि समय चालंती तेबे आपणकर पेट रे जंत्रणा, गैस किंबा टाण अनुभव करिबे नाही। एही सबु उपाय करिबा द्वारा आपणकर गर्भावस्था रे पेट रे टाइटनेस कम होइ पारिबो।